धमाकेदार मंडे नाइट रॉ के खत्म होने के बाद क्या हुआ, जॉन सीना क्यों थे रॉ के बैक स्टेज और जानेंगे क्या कुछ देखने को मिलेगा कल की स्मैकडाउन लाइव के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो दोस्तों ये वाली वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि आज की इस वीडियो में हम दो खबरें कवर करेंगे और कवर करेंगे स्मैकडाउन लाइव का प्रीव्यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों मंडे नाइट रॉ की। तो रॉ काफी बेहतरीन थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका रिपीट टेलीकास्ट जरूर देखिएगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि मंडे नाइट रॉ के बाद क्या कुछ देखने को मिला के ऊपर। गाइस मंडे नाइट रॉ के खत्म होने के बाद हमें PPV लेवल का मैच देखने को मिल गया और ये मैच दोस्तों हमें देखने को मिलने वाला है स्टम्पिंग ग्राउंड में, यानी कि हमें फाइट देखने को मिली है लेसी इवंस वर्सेस पैकी लिंच के बीच में और ये एक स्ट्रीट फाइट थी, यानी कि इसकी स्टिपुलेशन थी नो डिस्क्वालिफिकेशन। बात की जाए इस मैच की तो मैच काफी अच्छा था दोस्तों। मैच का अंत होता है तब जब दोस्तों बैकी लिंच लगा देती है अपना आर्मबार लेसी इवंस को और लेसी इवंस वहां कर देती है टैप आउट। तो दोस्तों यहां बैकी लिंच की जीत हुई, काफी बढ़िया मैच था। साथ ही साथ बात की जाए इंटरव्यूज की तो आप जानते हैं बैकस्टेज काफी ज्यादा इंटरव्यू होते हैं रॉ के खत्म होने के बाद। तो सबसे पहला इंटरव्यू दोस्तों रहा एजे स्टाइल्स और उनके दोस्तों का, यानी कि ल्यूक और कार्ल एंडरसन का, जहां दोस्तों एजे स्टाइल्स ने फटकार लगाई अपने दोस्तों को। वो बोले कि ये द क्लब नहीं हो सकता है, द क्लब इससे बेहतर था, तुम काफी बेहतर थे और तुम्हें अब खुद में सुधार लाने पड़ेंगे। यहां दोस्तों एजे स्टाइल्स हमें फटकार लगाते हुए नजर आए। लेकिन अब बात कर ली जाए दूसरी बड़ी खबर की जो कि जुड़ी हुई है मंडे नाइट रॉ से ही। तो गाइस आज 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना आ रखे थे रॉ के अंदर, लेकिन दोस्तों हमें मेन शो के अंदर वो पार्टिसिपेट करते हुए नजर नहीं आए। दरअसल माना यह जा रहा है कि जॉन सीना बैकस्टेज पाए गए हैं। PW इनसाइडर ने न्यूज ब्रोक किया है कि सीना को बैकस्टेज देखा गया। वेल दोस्तों सीना बैकस्टेज क्यों आए थे इसके ऊपर स्पेकुलेशन चालू है और हाल की स्पेकुलेशन की माने तो गाइस वो अपने फ्यूचर प्लान्स WWE के साथ डिस्कस करने आए हुए थे। आप जानते हैं कि सीना हमें रेगुलर देखने को मिलने वाले हैं अक्टूबर मंथ के अंदर, क्योंकि उस वक्त दोस्तों फॉक्स नेटवर्क के ऊपर टिल्ट हो जाएगी स्मैकडाउन लाइव और उसी के चलते दोस्तों सीना समेत कई बड़े बड़े रेसलर्स आपको स्मैकडाउन लाइव के अंदर देखने को मिलेंगे। यहां दोस्तों ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस और साथ ही साथ रे मिस्टीरियो जैसे सुपरस्टार्स को भी फीचर किया जा रहा है और सीना को तो आना ही आना है दोस्तों। तो ऐसे में शायद से अपने प्लान्स डिस्कस करने आ रखे थे, वो फाइट करने नहीं आए थे। बट दोस्तों अब हम चलते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर के ऊपर जिसके अंदर हम कवर करेंगे कल की स्मैकडाउन लाइव का प्रीव्यू। तो गाइस कल की स्मैकडाउन लाइव भी काफी बड़ी होने जा रही है, होप करते हैं कि आज की रॉ के जैसे कल की स्मैकडाउन भी काफी धांसू हो। तो सबसे पहली चीज जो कि कल की स्मैकडाउन लाइव के अंदर हमें देखने को मिलेगी वो रहेगी एक तगड़ा मैच और वो होगा दोस्तों जेवियर वुड्स वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर के बीच में। आप जानते हैं कोफी वर्सेस डॉल्फ होनी है, उससे पहले दोस्तों कोफी के फ्रेंड फेस करने वाले हैं डॉल्फ ज़िगलर को। कौन इस मैच को जीतता है हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन अब हम चलते हैं उससे अगली चीज के ऊपर जो कि कल की स्मैकडाउन लाइव में हमें देखने को मिलने वाली है। तो गाइस ये रहेगी अलेक्सा ब्लिस और बेली का फेस ऑफ। तो आप जानते हैं इन दोनों की भी फाइट रखी गई है, वुमन चैंपियनशिप के लिए फाइट है। तो ऐसे में दोस्तों कल फेस ऑफ रखा गया है, प्रोबेबली दोस्तों अलेक्सा ब्लिस यहां अटैक कर सकती है, एक तरीके की स्टेटमेंट दोस्तों रख सकती है स्टॉम्पिंग ग्राउंड से पहले। बट चलते हैं हम तीसरी चीज के ऊपर जो कि कल की स्मैकडाउन लाइव में देखने को मिलेगी। तो गाइस तीसरी चीज काफी ऑब्वियस है, तीसरी चीज रहेगी 24/7 चैंपियनशिप के पीछे केआस। तो कल की स्मैकडाउन लाइव के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि आर्थ्रूथ आएंगे स्मैकडाउन लाइव में और स्मैकडाउन लाइव के जितने भी जॉबर्स हैं, जितने भी लो मिड कार्डर्स हैं, उनके पीछे पड़ जाएंगे। अब आर्थ्रूथ अपनी चैंपियनशिप वहां कैसे डिफेंड करते हैं ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन चलते अपने फाइनल सेगमेंट के ऊपर। तो गाइस वो रहने वाला है रोमन रेंस के ऊपर शेनो मैक और ड्रू मैकएंटायर का अटैक। तो गाइस आपने रॉ के अंदर कि कैसे रोमन रेंस ने गंदे वाली पिटाई की शेनो मैक, ड्रू मैकएंटायर समेत द रिवाइवल की। लेकिन आप जानते हैं शेनो मैक कितने चलाक है और कल दोस्तों वो रोमन रेंस के लिए ट्रैप 100% बिछाने वाले हैं। कल दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि रोमन रेंस के ऊपर एक तगड़ा अटैक होगा, प्रोबेबली उसमें 1 से 2 से 3 से 4 सुपरस्टार्स भी हो सकते हैं। द रिवाइवल भी दोस्तों वाइल्ड कार्ड रूल के तहत आ सकते हैं आपके स्मैकडाउन लाइव के अंदर और ये चीज हमें देखने को मिलेगी। रोमन रेंस कैसे उनका सामना करते हैं, क्या कुछ वहां होता है ये तो हमें कल ही पता लगने वाला है। बट दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रोमन रेंस मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं रॉ के जैसे इस बार या फिर पिटने वाले हैं? अपना अपने मन का सजेशन आज के कमेंट बॉक्स में बताना मत भूल। वेल दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ खैर।